नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका जेन इनोवेशंस में। दोस्तों अगर आप एक यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर हैं और आप जब आपका जो नया वीडियो है जो आपने काफी मेहनत करके काफी एक्साइटमेंट से जब आप उसको पब्लिश करते हैं तब सबसे पहला ख्याल आपके दिल में क्या होता है कि क्या मेरा जो वीडियो है ये अच्छे से चल रहा है या नहीं, व्यूज अच्छे से आ रहे हैं या नहीं, यूट्यूब इसको जो है रैंक कर रहा है या नहीं। तो इसी तरह की जो चिंता है दोस्तों वो हर क्रिएटर के मन में लगी रहती है और कई बार जो है हम जो YouTube के जो व्यूज हैं ये देख के निराश हो जाते हैं और हमें लगता है कि यार मैंने वीडियो लॉन्च किया लेकिन बस इतने इतने लोगों ने ही इसे अभी तक देखा है। दोस्तों आप चिंता मत कीजिए, ये वाला जो वीडियो है ये आप पूरा देख लीजिए और इसी तरह के जो कंटेंट क्रिएटर के जो टिप्स है वो मेरे चैनल पे आते रहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो उसे जाके दबा दीजिए। दोस्तों यहाँ पे एक बात ये हो सकती है कि जब भी आप जो वीडियो है इसको आप पब्लिश करते हैं YouTube पे तो आप उसको जो है गलत टाइम पे पब्लिश कर रहे हैं। जी हाँ, और इसका जो पब्लिश करने का जो सही टाइम है आपको YouTube खुद यहाँ पे बताता है एक नए टूल की मदद से। तो चलिए चलते हैं हमारे PC पे और मैं आपको बताता हूँ कि वो टूल कौन सा है और किस तरह से काम करता है। लेट्स रोल द इंट्रो एंड बिगिन दिस वीडियो। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारे PC पे और मैंने जो है YouTube का जो स्टूडियो होता है उसको ओपन कर लिया है और हम आ गए हैं एनालिटिक्स के टैब में और यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे जो ऑडियंस का जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना है और थोड़ा सा जो है नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद में आपको यहाँ पे एक नया जो है ये टूल मिल जाएगा और ये टूल का नाम है When Your Viewers Are On YouTube। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके जो व्यूअर्स हैं मतलब आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी आपके जो पसंद करते हैं आपके वीडियोस देखना वो YouTube पे ऑनलाइन कब रहते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये टूल जो है वो किस तरह से काम करता है और इसके बाद में हम बात करेंगे कि ये टूल का जो डेटा है इसको इस्तेमाल करके आप आपके जो व्यूज हैं इसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो टूल है दोस्तों ये जो है पर्पल कलर में जो है अलग अलग यहाँ पे शेड्स आपको ऑफर करता है और कुछ जो है इसमें जो बॉक्सेस हैं ये गहरे रंग के हैं, कुछ लाइट रंग के हैं और यहाँ पे जो इसका जो वाई एक्सिस है यहाँ पे आपको टाइमिंग दिख जाएगा मतलब किस टाइम पे जो है आपके व्यूवर्स आते हैं और यहाँ पे ये जो एक्सिस है आपका एक्स एक्सिस उसमें आपको जो है ये सारे दिन दिख जाएंगे जो वीकडेज कहते हैं वो है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो इसको टूल को जो समझना है वो काफी आसान है। ये जो कलर है आपका ये जितना ज्यादा गहरा रहेगा इतने ज्यादा लोग जो है वो आपके यूट्यूब चैनल पे हैं और ये जो है आपको एक हिंट दे देता है कि आपको जो वीडियो है ये कब लॉन्च करना है। तो जिस तरह से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो 9 बजे जो है यहाँ पे यूट्यूब बता रहा है वेरी मेनी ऑफ योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब और वहीं पे अगर हम और टाइम पे आते हैं कि मतलब सुबह 6 बजे तो 6 बजे यहाँ पे वेरी फ्यू ऑफ योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब। तो इस तरह से जो है ये यूट्यूब देता है और डे वाइज भी जो है इसमें थोड़ा बहुत फर्क आपको देखने को मिलता है। तो जिस तरह से अगर आप ये संडे का अगर कॉलम देखेंगे तो संडे में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि दोपहर बाद जो है मोस्टली जो है लोग घर पे रहते हैं, ये मतलब छुट्टी रहती है उस दिन लोग घर पे जो है टाइम स्पेंड करते हैं। तो संडे को जो व्यूअरशिप है जो व्यूअरशिप का जो बैंड है ये आपको काफी बड़ा मिला है और आप अगर कुछ इस तरह से वीडियोस बनाते हैं मतलब एंटरटेनमेंट रिलेटेड या फिर फनी वीडियोस अगर आप बनाते हैं तो ये व्यूअरशिप आप देख के उनको संडे को लॉन्च कर सकते हैं ताकि आपके जो ऑडियंस हैं वो आपका वीडियो तुरंत पिक कर ले। और दोस्तों इसमें फायदा ये रहेगा कि अगर स्टार्टिंग में आपके वीडियो को जो है व्यूज अच्छे आ जाते हैं तो यूट्यूब को लगता है कि यार ये वीडियो है ना ये मस्त है मतलब लोग है ना इसको देखना पसंद कर रहे हैं तो यूट्यूब खुद से भी वो जो वीडियो है उसको बूस्ट करता है और कई सारे लोगों को उसको सजेस्ट करता है। तो इनिशियल व्यूज का जो फायदा है वो आप इस टूल की मदद से ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो मेट्रिक है दोस्तों अब एक बात आपको बता दूं कि ये जो मेट्रिक है आपके चैनल के लिए काफी अलग दिख सकता है। मेरा यहाँ पे एक टेक चैनल है तो मेरा जो मेट्रिक है वो किस जो है इस तरह से दिखता है और ये जो भी डेटा है इंडिया के हिसाब से बनाया गया है। तो जो मेरे वीडियोस हैं मोस्टली हिंदी में रहते हैं तो एक इंडियन सबकॉन्टिनेंट के हिसाब से आप कह सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ जो मेरे व्यूअर्स हैं आप देख सकते हैं कि रात को जो 9 बजे हैं वो डेली ऑनलाइन जो है यूट्यूब पे आते हैं और ये डेटा यूज करके अगर आप जो है लाइव सेशन में जो है अगर आप लाइव करते हैं या फिर आपके जो वीडियोज हैं उनको अगर आप प्रीमियर करते हैं तो अगर वो आप उसका टाइमिंग जो है 9 बजे या 10 बजे रखेंगे तो आपके व्यूअर्स ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन रहेंगे और सब्सक्रिप्शन फीड में आपका जो वीडियो है वो उनको दिखाया जाएगा और तुरंत ही वो वीडियो पिक हो जाएगा, वीडियो बूस्ट हो जाएगा।
तो इस टूल का इस्तेमाल करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वीडियो आपको कब रखना है। और दोस्तों ये इसका जो फायदा है ये आपको लाइव सेशन में ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने देखा कि कई लोग जो है गलत टाइम पे लाइव करते हैं और उसमें जो है जो व्यूअरशिप है जो वॉचिंग है वो काफी कम आती है और लाइव करने में मजा नहीं आती है। तो दोस्तों ये वाला जो टूल है आप इस्तेमाल कीजिए, जितना डार्क कलर है वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, जो डार्क कलर का जो टाइम बैंड है उसमें आप वीडियो लॉन्च कीजिए और ज्यादा से ज्यादा व्यूज का फायदा उठाइए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो और कंटेंट क्रिएटर्स के जो है कई सारे टिप्स जो है मेरे कंटेंट क्रिएटर्स कॉर्नर नाम का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा, जाके प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लीजिए। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।